गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 19 इन दिस वर्कशीट फॉर 21st of August 2021। सो डियर स्टूडेंट टूडे वी आर ऑल्सो डिस्कस ए लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाई जी एल फ्यूम्स। तो इस स्टोरी में हमने लेंचो के बारे में पढ़ा था। तो लेंचो एक फार्मर होता है जो थोड़ा सा बारिश आने से, ठीक है, उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म आने से उसका फसल क्रॉप जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेंचो क्या करता है, लेटर टू गॉड को, गॉड को लेटर लिखता है क्योंकि उसका फार्म फेथ होता है गॉड में, और डिमांड करता है 700 पीसों की, बट उसे 70 पीसों ही आता है। तो उसके बाद कैरेक्टर क्या होता है, स्टोरी कैसे मूव करती है, इसे हम समझेंगे, राइट। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इसे केयरफुली अच्छे से पढ़ना और आंसर देने हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए विट अर्लियर देन यूजुअल, यानी जो नेक्स्ट संडे जो होता है उस दिन लेंचो थोड़ा समय से पहले आ गया टू आस्क इफ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यानी कोई उसके लिए लेटर आया है, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन, वो कौन था, पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो खुद उसे उस लेटर को क्या हैंड ओवर किया था। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो अच्छा काम किया था और उस जो व्यक्ति उसे भला चाहता था वो व्यक्ति वहाँ से जो है ना क्या देख रहे थे, ठीक है, कि वो किस तरह का रिएक्शन होगा, जो वो पोस्ट मास्टर जो लेटर लेने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, उसे जो ओपन करने के बाद पढ़ के क्या होगा रिएक्शन, तो वो थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे थे, ठीक है। पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन, उस मैन को जो है ना वो जो दया अच्छा काम किया था उस अपने काम को वो देख रहा था, ठीक है। हु हैज़ परफॉर्म एज अ गुड डिड, जिसने अच्छा काम किया, लुक्ड ऑन ए फार्म फ्रॉम हीज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोज, लेंचो जो दिखाता नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी वो उसे सरप्राइज नहीं होता ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखने के बाद, ठीक है। सच वॉज हीज कॉन्फिडेंस, वो ऐसा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है, ठीक है, क्योंकि उस लेटर में 70 पीसों थे, ठीक है, 100 पीसों की उसने डिमांड किया था लेंचो ने, और 100 पीसों की का मतलब डियर स्टूडेंट उसका विश है जो गॉड हमें 100 पीसों ही जो है ना सेंड करेंगे। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, और कहता है जो गॉड जो है ना मिस्टेक नहीं कर सकता है, राइट। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं तो मेरे जो जो मैंने लेटर में लिखा और 100 पीसों की बात की है, तो गॉड उसे मना भी नहीं कर सकता और कोई ऐसी गलती भी नहीं कर सकता, और मैंने जो 100 पीसों की डिमांड की वो डेफिनेटली देंगे। इनका अभी फार्म फेथ है गॉड में लेंचो का, और लेंचो एक ऑनेस्ट फार्मर है, राइट। जब हम अपने काम को भी किसी काम को फार्म फेथ के साथ अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सक्सेस, ओके डियर स्टूडेंट। तो हमें हमेशा जो है ना इस स्टोरी से यही हमें समझ में आता है डियर स्टूडेंट, जो हमें फार्म फेथ होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी क्वेश्चंस को लेकर के, और अपने लाइफ में कैरियर को लेकर के, ठीक है। तो जब तक हम फेथ अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे वी कांट सक्सेस, और देर इज नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करना ही होगा, राइट। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडोज, और लेंचो विंडो के पास जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो पेपर और इंक की डिमांड करता है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसे लिखता है, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट कर देता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ऑफ द हैड टू मेक द इम्प्रेस ऑफ द आइडिया, और उसमें जो है ना जो भी उसे आइडिया लिखना होता है वो लिख देता है, ठीक है। और वेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, और जब वो लिख लेता है उसके बाद वो विंडो के पास जाता है स्टैम्प लेने के, विच ही लाइक एंड द एफिक्स टू द एनवेलप, जो उसे मुट्ठे से मार करके, यानी थम से मुट्ठे से मार करके उसे ठोक करके उसे बंद कर देता है विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है, अपने रिस्ट से। उसके बाद डियर स्टूडेंट द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसके बाद वो मोमेंट जो है ना
ऑफिस से वो जो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय देख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ बेहतर चीज़ लिखा होगा, या तो थैंक यू लिखा होगा या क्या लिखा होगा, वो अपने आप में सरप्राइज कर रहे होते हैं, जो हमने जो इतना हेल्प तो किया है लेंचो का, लेंचो को गॉड पे फार्म फेथ है बट हमने हेल्प किया, तो उसका रिप्लाई वो गॉड को क्या देना चाहते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उस मोमेंट उस लेटर को मेल बॉक्स में रखता है, द पोस्ट मास्टर बेंट अप बेंट टू ओपन इट, और थोड़ी ही देर में पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसे ओपन करता है, इट सेड उसमें लिखा होता है गॉड ऑफ मनी डेट आई आस्क फॉर, गॉड ऑफ मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, मैंने 100 पीसो की डिमांड की थी लेकिन आपने 70 पीसो ही मुझे दिए हैं, ठीक है, सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, यानी जो बचा हुआ मनी है उसे हमें क्या करे, भेजे, सेंड करे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि हमारा क्रॉप जो है ना डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन इसे हमें मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, ठीक है, मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों का जो है ना टोली है, ठगो लोग है ये पोस्ट ऑफिसर, ठीक है, सैड लेंचो। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक आयरनी आ जाती है, आयरनी क्या होता है, जब हम अपोजिट यानी क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे होते लेकिन अपोजिट होते, यहाँ पे देखिए लेंचो भी अपने आप में ठीक है, वो उसे गॉड पे फार्म पे थे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई है तो उन्होंने तो हेल्प किया है, गॉड तो उन्हें दिया नहीं लेकिन गॉड के उन्होंने हेल्प किया है एज ए गॉड, ठीक है, तो यहाँ पे एक आयरनी डेवलप होती है, जो एक तो वो उन्हें ठगों की टोली कह रहा है लेंचो, और एक गॉड पे फार्म फेथ है, लेकिन वो जो पोस्टमास्टर है उसने उन्हें पता है, जो ये गॉड ने नहीं भेजा मैंने भेजा है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से 3 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ईजी है, तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं, राइट। हाउ मैनी लेटर डिड लेंचो राइट टू गॉड इन दिस स्टोरी, देयर आर 2 लेटर राइट लेंचो, ठीक है, लेंचो ने 2 लेटर लिखा है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज ए पर्सन, पोस्ट मास्टर कैसा है, तो इस स्टोरी में डियर स्टूडेंट पोस्ट मास्टर कैसा है, इनसाइटफुल है, इनसाइटफुल मीन्स वो काफ़ी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल होकर के सोचता है, तब जाकर के पोस्ट मास्टर ने इन्हें क्या कि 70 पीसो एटलीस्ट सेंड किया, राइट, विद द साइन ऑफ गॉड। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्या थे, द पोस्ट ऑफिस ए बंच ऑफ क्रूक्स, बिल्कुल नहीं, बंच ऑफ क्रूक नहीं, उसने तो हेल्प किया है ना, एथिस्ट वो भगवान में विश्वास करते हैं, ये एथिस्ट ऐसा ये नहीं करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है, वो पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय करते हैं, ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल नहीं, वो तो ऑर्डिनरी और ग्रीडी पीपल भी नहीं है, हेल्पफुल काइंड हार्टेड पीपल, वो कैसा हेल्पफुल है और काइंड हार्टेड पीपल है डियर स्टूडेंट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट यू नो अबाउट अलॉट नाउ डियर स्टूडेंट। अब इसमें अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, ये हमारा 4th है जो कि बहुत ही ईजी है, राइट। वॉट इज द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड, यानी इस लेटर टू गॉड में आयरनी क्या है, तो हमें आयरनी बताना होता है, तो आयरनी का डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। द बैंक एम्प्लॉय हु हेल्प लेंचो बट रिगार्डेड एज द पंच ऑफ क्रूक, बिल्कुल, यानी बैंक एम्प्लॉयज ने उन्हें हेल्प किया लेकिन उन्हें क्या उसके हेल्प करने के बावजूद उन्हें क्या मिला, ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों की टोली मिला, तो ये आयरनी है, आपका आंसर यही करेक्ट है, ठीक है। द हेल स्टॉर्म स्विच वॉज वेलकम बाई लेंचो कॉज द डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल, हेल स्टॉर्म्स जो ओले वृष्टि गिरे, पत्थर वगैरह गिरे और उसके क्रॉप बर्बाद हो गए, और वो ऐसा ये कोई आयरनी नहीं है। गॉड हु लेंचो हैड कम्प्लीट फेथ, गॉड में जो ना लेंचो का कम्प्लीट फेथ था, हैड डिस्ट्रॉय हिम, जो कि उसे बर्बाद, नहीं ये भी नहीं है, नन ऑफ दी, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये इजिली समझ में आया है, ठीक है। अब हम इसमें आयरनी का डेफिनेशन देख ले रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज एन आयरनी, आयरनी क्या होता है, आयरनी प्रोनाउंस्ड आई रन ई, यानी इसे जब प्रोनाउंस करेंगे तो आई रन ई, आयरनी मीन्स होता है विडम्बना, विडम्बना यानी कि आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, विडम्बना यानी कि जो हमारी इंडिया में कास्ट को लेकर के रूरल एरिया में अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो एक हमारी आयरनी है जो विडम्बना है, ठीक है।
जो कास्ट सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जो भेदभाव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, गाँव में अभी चल रही है, शहर में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये तरीके का विडम्बना का हमने डिफिनेशन बताया। अब देखिए आयरनी को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो आई रन ई इज वेन देयर आर टू कंट्राडिक्टरी मीनिंग, यानी दो कंट्राडिक्ट मीनिंग हो रहा है। जैसे कि वहाँ पे लेंचो को तो एक तो हेल्प किया है और पोस्टमास्टर ने, और लेंचो उसके जवाब में ए बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा है, राइट। ऑफ द सेम सिचुएशंस इवेंट इमेज, यानी सेम सिचुएशन का कंट्राडिक्ट मीनिंग होगा, इवेंट का होगा या इमेज का होगा, सेंटेंस का होगा या फ्रेज का होगा, और स्टोरी का हो सकता है। तो इसमें हमारा स्टोरी का है, राइट। आयरनी इज ऑफन यूज फॉर द क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट, यानी आयरनी इसलिए यूज किया जाता है यानी क्रिटिकल आलोचना करने के लिए, उसमें ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए, ताकि उसमें जो है ना जो रीडर है, रीडर के माइंड में कुछ ना कुछ नया चीज सोचने को मिले, ठीक है, थिंक करने को मिले, जो ये स्टोरी में क्या था, जो कि लिटरेचर में यूज होता है, म्यूजिक में यूज होता है, आर्ट में यूज होता है, एंड द फिल्म में और लेसन में यूज होता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट आई होप यू गॉट इट ईजली। अगर आपको ये भी, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके कर सकते हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है हमें। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।